में लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और अब सरकार रामनगरी में व्यवस्था सुधारने के लिए एक्शन मोड में काम कर रही है। सीएम योगी ने खुद कमान संभाली और पुलिस प्रशासन भी सुगम दर्शन की व्यवस्था में युद्ध स्तर पर जुटा है। रामलला के द्वार, भक्तों की भीड़ अपार, उमड़ा जनसैलाब, योगी ने संभाली कमान, बड़े अफसरों ने रामनगरी में डाला डेरा। अयोध्या में राम का दरबार खुला तो आस्था का सैलाब उमड़ आया। लोग प्राण प्रतिष्ठा के दूसरे दिन से अपने आराध्य की एक झलक पाने को आतुर दिखे और नतीजा ये रहा कि मंदिर परिसर और शहर में जबरदस्त भीड़ जुट गई। दूसरे दिन भी भक्तों की भारी भीड़ मंदिर में जुटी। देखिए, जन्मभूमि पथ की तस्वीर है। हालांकि आज व्यवस्थाओं में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले दिन की अगर बात करें तो पहले दिन 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने यहां पर दर्शन और पूजन किया और कहीं ना कहीं अचानक से भीड़ इकट्ठा होने की वजह से कुछ देर के लिए यहां पर अव्यवस्था भी देखी गई। लेकिन आज चूंकि सब कुछ सुव्यवस्थित तरीके से हो रहा है, जहां एक तरफ आरएएफ के जो जवान हैं मोर्चा संभाले हुए हैं, तो वहीं जो यूपी पुलिस के जवान हैं वो भी यहां पर तैनात किए गए हैं। और कल के मुकाबले बात करें तो आज सुरक्षा कर्मियों की संख्या भी बढ़ाई गई है। जो क्यू सिस्टम है उसको इम्प्रूव किया गया है, क्योंकि कल देखा गया कि जो भीड़ आ रही थी, चूंकि वो अचानक से, चूंकि कई जगहों पर वो अनियंत्रित भी हो गई, कंट्रोल करने में सुरक्षा कर्मियों को और पुलिस कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। हर राम भक्त को भगवान के दर्शन हो और कोई अव्यवस्था पैदा ना हो, इसके लिए खुद सूबे के मुखिया सीएम योगी ने मोर्चा संभाल लिया है। योगी राम के धाम पहुंचे, हेलीकॉप्टर से अयोध्या का हवाई सर्वे किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मंदिर में प्रवेश को लेकर भारी तादाद में मौजूद भक्तों को सीएम योगी ने देखा और आला अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए। सीएम योगी ने इस दौरान दर्शन व्यवस्थाओं का जायजा लिया। योगी अयोध्या से निकले तो दोनों डिप्टी सीएम भी एक्शन मोड में आ गए हैं। अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की प्रतिक्रिया सामने आई है। बहुत बड़ी भीड़ आ रही है, लेकिन मैं आप सबके माध्यम से यही अपील करता हूं कि आना सबको है, रामलला सबके हैं और सब दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। लेकिन जो बहुत तेजी से भीड़ आ रही है, तो अयोध्या धाम में अभी जगह उतनी नहीं है जितनी संख्या में आ रहे हैं, इसलिए लोगों से अपील है थोड़ा रुक करके जाएं। भारी संख्या में वहां राम भक्त पहुंच रहे हैं और सारी व्यवस्थाएं सरकार कर रही है कि सबको सुव्यवस्थित ढंग से दर्शन हो, लेकिन फिर भी जब भी बारी आए तभी जाएं और शांतिपूर्वक धैर्यपूर्वक दर्शन करें। प्रभु आपको आपकी बारी आने पर भव्य दर्शन मंदिर में मिलेंगे, ऐसे में प्रभु से कामना करता हूं। भक्तों की भीड़ को देखते हुए अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किया गया। दरअसल रामलला के दर्शन के लिए भक्तों की जबरदस्त भीड़ पहुंचने पर प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार खुद गर्भगृह में मौजूद रहे। शासन के निर्देश थे कि किसी भी यात्री को कोई असुविधा न हो, इसको सुनिश्चित कराया गया। और आज जो भी प्रबंध रात भर में विभाग अंतर विभागीय समन्वय से ट्रस्ट के साथ संपर्क बना के हम लोगों ने किया था, उसके बड़े अच्छे और सुखद परिणाम आपको खुद देखने को मिल रहे हैं कि कोई भी वेटिंग में क्यू नहीं है, कोई वेटिंग एरिया में आदमी को विथहोल्ड नहीं किया जा रहा है। इस समस्या के बारे में उपाय ढूंढने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं कल यहाँ आए थे। उन्होंने सभी संबंधित के साथ यहाँ पे ट्रस्ट के अधिकारियों के साथ भी विस्तार से चर्चा की गई और इसकी समस्या से निपटने के लिए क्या उपाय किया सकते हैं उसके बारे में उनके द्वारा निर्देश दिए गए। और मुझे आपको ये बताना है कि कल जो प्लान जो बनाया गया था उसको रात में एग्जीक्यूट किया गया है। यहाँ क्यों आप देख सकते हैं, क्यू लगाने की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। अयोध्या में दर्शन करने पहुँच रहे भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। श्रद्धालु